और मेहदी साहब के साथ ये हुआ था सर कि हम तो बचपन से मुरीद हैं उनके और जिंदगी भर रहेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि मेरा जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरी मेरी औकात है या जितना मैंने म्यूजिक सीखा है, तो उसमें जो मुझे आता है वो मैं 100 नहीं 1000% करने की कोशिश करता हूँ, मेरा बेस्ट। तो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, लंदन की कोई कंपनी थी, मैं नाम भूल गया, मैं अरेंज कर रहा था और मेहदी हसन साहब गा रहे थे। ये हरिहरन साहब के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी, बीट स्टूडियो ताड़देव साउथ बॉम्बे में, एयर कंडीशन मार्केट के पास में। तो और मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे थे यहाँ पे, एक कविता कृष्णमूर्ति जी का चल रहा था मेरा एक प्रोजेक्ट, और एक मेरा मेहदी साहब का, मेहदी हसन साहब का चल रहा था। तो डब करने आए खान साहब, मेहदी साहब आए डब स्टूडियो आए डब करने, तो डबिंग हुई ठीक ठाक, हो अच्छी हो गई डबिंग। तो मैंने बोला कि खान साहब, थोड़ा सा कभी सर बोलता था, कभी अंकल बोलता था, कभी खान साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ मैं, थोड़ा वो लाइन करेक्शन कर दीजिए, कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो क्या होता था, वो रेडी थे करने के लिए, हाँ, क्योंकि मैं अरेंज कर रहा हूँ, और खैर वो मेरी तो कोई विसाद या कोई औकात ही नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कि वापस से डब कर दीजिए, लेकिन मैं उस एल्बम को अरेंज कर रहा था। तो उन्होंने पूछा ठीक हो गया, अच्छा हो गया, मैंने बहुत अच्छा हो गया एक जगह पे, वो थोड़ा वर्ड्स और ये, और थोड़ा उस समय अंटारेस वगैरह होता नहीं था, मेलोडाइन वगैरह ये सब होता नहीं था, तो उनके साथ कुछ और लोग थे, उनके शागिर्द नहीं, लेकिन वो बोलते ना कि चेले चपाटे, चाय 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 से गर्म केटली होती है। अरे खान साहब ने एक बार डब कर दिया, अब वो थोड़ी डब करेंगे दूसरी बार। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो लोग चले गए स्टूडियो से चले गए। तो मैं अपना, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने जो शुरू किया था वो, उस पर काम करना शुरू कर दिया मैंने। रात करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे, मुझे बराबर याद है कि मैं जयंती गोशर जी, बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं, बहुत विद्वान म्यूजिशियन हैं, उनका गिटार डब कर रहा था। और उस प्रोजेक्ट में मेरा बड़ा, मेरा सौभाग्य है कि भूपी अंकल, भूपी जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने बेस गिटार बजाया था मेरे प्यार के लिए। जी, तो मैं वो काम पे लग गया, और वो जो लंदन की जो प्रोड्यूसर थी वो शिवाज डिगल लेके आई थी, तो वो खोल ली थी मैंने, हाँ, तो वो भी चल रहा माहौल। इतने में आधे घंटे हो गए थे मेरे को मेरा दूसरा काम शुरू करते हुए, तो खान साहब आए और उनके साथ उनकी वो पूरी गैंग भी आई। सर बोला वो मैं फिर से पूरा गाना डब करूँगा। तो मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनको बोला, मैंने खान साहब अभी ऐसा है, मैं इस जोन से निकल गया हूँ, अभी मैं एक दूसरे जोन में आ गया हूँ, और अभी मेरा एक सेट ऑफ माइंड अलग हो गया है, तो आप परसों परसों कर लीजिए डब, क्योंकि कल भी मैं बिजी हूँ, तो परसों कर लीजिए। बोला अरे मैं बोल रहा हूँ आज करने के लिए, अभी करने के लिए? तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता आपको, जब मैंने उस समय इतने प्यार से बोला तो आपने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे, आपके साथ जितने लोग आए वो बोलने के, खान साहब एक बार डब कर देते तो उसके बाद दूसरी बार डब नहीं करते, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। और मेरा ग्लास व्लास रखा होता, वो देख रहे थे। सर मैंने वो उनका नामंजूर किया, ये जो था उन्होंने मुझे बोला था कि डब कर लेता हूँ फिर से, मैंने अभी मैं दूसरा काम शुरू कर रहा हूँ और अभी नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मिजाज अलग है, ये मूड अलग है, वो मैं मिक्स मैच नहीं करना चाहता। तो ही वॉज वेरी एंग्री विथ मी, बहुत ही वॉज अपसेट विथ मी। उससे 4 दिन पहले क्या हुआ था, उसी उसी दौरान में, उससे एक हफ्ते पहले, एक कंपनी हुआ करती थी वेस्टर्न म्यूजिक, आई थिंक उनके जो ओनर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके ओनर का नाम था ज्ञान वाचानी जी, उन्होंने, वो थे या कोई और थे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक कॉन्सर्ट रखा था मेहदी साहब का जुहू होटल पे, और मुझे कहा गया था कि तुमको वायलिन बजाना है खान साहब के साथ। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ी, मतलब प्रेस्टीज प्रेस्टीज की बात है कि मैं खान साहब के साथ बजाऊं,
मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा जू होटल, तो खासा 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 पूरी दुनिया उनको घेरी हुई सब. मैं पैर छुए मैंने, उन्होंने देखा ही नहीं. ठीक है, उनको हजारों लोग घेरे थे, तो मैंने चलो कोई नहीं. तो फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी मिलाया, बोला बहुत अच्छा बजाता है, दीपक नाम है इसका, और ये आज वायलिन बजा रहा है. अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलो आई वॉज ओके. और ये जगजीत भाई के साथ भी बजाते हैं, जिन्होंने इंट्रोडक्शन कराया मेरा. हाँ ठीक है. तो मेरी आदत थी कि मैं सिंगर जगजीत अंकल के साथ जैसे मैं बैठता था, वो सेंटर में, तो मैं उनके लेफ्ट में. तो वैसे मैंने अपना प्लेसमेंट कर लिया वायलिन खोल के. तो वायलिन खोल ली मैंने, तो साउंड ऑन बैलेंस हो रहा था, ऑडियंस बैठी हुई सारी. हाँ, वो प्राइवेट टाइप का ही प्रोग्राम था, ऑडियंस बैठी हुई सारी. तो मुझे बोले आप पीछे बैठिए. तो मैंने बोला पीछे कहाँ? बोला हाँ मेरे पीछे बैठिए. तो मैंने आपके पीछे इतना बड़ा स्टेज खाली पड़ा है, आपको देख पाऊँगा, आई कॉन्टेक्ट रहेगा? नहीं, आप पीछे बैठिए. तो मैंने बोला मैं बैठता ही नहीं हूँ, मैं जाता हूँ. और मैंने बोला माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ संगत नहीं कर पाया, उसके लिए ना मुझे करना है. और मैंने वायलिन पैक किया और मैं जाने लगा. तो उनके लड़के, मैं नाम भूल गया, कामरान या क्या, वो आए. अरे नहीं नहीं, पिताजी का वो मतलब नहीं था. मैंने पिताजी का मतलब वही था, मैं चार बार सुना, उन्होंने बोला पीछे बैठिया, हमारे यहाँ पे पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते कोई. तो वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं उठ के चला गया, मैंने नहीं बजाया. उसके बाद जो स्टूडियो में हुआ वो हुआ. बट अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक ये चीज़ कन्फेस करता हूँ, ऐसी हस्तियाँ, ये इनको मैं युग पुरुष कहता हूँ. इनके पीछे क्या, इनके अगर चरण का धूल भी पियो, पानी डाल के इनके चरण की जो बोलना चाहिए ना, धूल भी हम उठा लें तो हम नसीब वाले. लेकिन वो एक टाइम था कि मैं भी बच्चा था और छोटी चीज़ पे इरिटेट हो जाता था, और ये सब चीज़ों का आदि नहीं था मैं, ना आज भी नहीं हूँ मैं. लेकिन अब फर्क पता चलता है कि वो कैसी हस्ती हैं, जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनको जिनके हम फॉलोअर्स हैं, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं. तो ये दो जगह मिस्टेक बड़ी हुई.